हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी माह अगस्त का असाइनमेंट का उत्तर। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न पद्यांश का आपको भावार्थ लिखना है। तो इसका आपका भावार्थ क्या होगा? कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी, जहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे दुर्गम जगह पर अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन्मादी हो मृगों को दौड़ते हुए देखा। इसका ये भावार्थ होगा, यानी कि अर्थ होगा। अगला है, कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? तो कवि चकवा चकई के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। चकवा तथा चकवी रात्रि में अलग अलग रहते हैं, अर्थात उनका वियोग हो जाता है, पर जैसे ही सूर्य का बाला रूप किरणें धरती पर विकिरण होती है, वे पुनः मिल जाते हैं। यही भाव प्रणय कलह के रूप में व्यक्त हुआ है। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का पुष्प सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का किन्हीं चार बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। तो मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अमरकंटक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। पर्वत श्रृंखलाओं से गिरती जलधारा ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश से चांदी की धार नीचे आ रही हो। ऋषि मार्कंडेय की यह तपोभूमि जामुन आम और सरई के जंगलों से आच्छादित है। इन्हीं पर आश्रित लोगों का जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है। उसके बाद है अगला, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। आपको इसको किस तरह से लिखना है ये बता देता हूँ। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक शासकीय कर्मचारी है, उनका स्थानांतरण दुर्ग हो गया है। मेरा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है, अतः मैं यहाँ अकेले रहकर अध्ययन करना संभव नहीं है। मैं वहाँ किसी विद्यालय से अध्ययन करूँगा, अतः मुझे अति शीघ्र स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र देने की कष्ट करें, कृपा करें। मेरी विद्यालय की सारी देय राशि चुका दिया है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र देने की कष्ट करें ताकि मैं दुर्ग में जाकर प्रवेश ले पाऊँ। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आपकी कक्षा और दिनांक लिखना आप लोग नहीं भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।